हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हम आपको ये हार्ट शेप की बेल बताने वाले हैं। देखिए, इसे स्टार्ट कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब आप बनाएं तो सबसे पहले आपने 7 चैन बुननी है। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए, 7 चैन बुनेंगे। जब आप स्टार्ट करेंगे तो 7 चैन बुनेंगे पहले। फिर देखिए, 1 और 2, 2 बल डालेंगे। फिर देखिए फ्रेंड्स, नीचे से आप 3 चैन छोड़ देंगे। 1, 2, 3, यानी कि इसमें यहां से आपने ट्रिपल क्रोशे से बुनना है। देखिए इस तरह, 1 बार 2 बार, ये 3, यानी ट्रिपल क्रोशे से मैंने देखिए 1 बार बुना। अब मैं दोबारा से इसी में बुनूंगी इस तरह। देखिए 2 हो गए। फिर देखिए, तीन हो गए 2 बल के साथ। तो इस तरह से फ्रेंड्स, मैंने ट्रिपल क्रोशे से 4 टाइम बुन लिया है। देखिए, ये 4 टाइम हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने 1 बल लेना है और इससे जो नीचे वाली चैन है, देखिए इसमें यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया से 1 बार बुना। फिर देखिए, फिर हमने उसी में दोबारा से 2 बार बुनना है डबल क्रोशिया से इस तरह। फिर देखिए फ्रेंड्स, 2 बार हमने डबल क्रोशे से बुना। अब देखिए, इससे नीचे वाले जो चैन है, यहाँ हम सिंगल क्रोशे से बुनेंगे इस तरह। देखिए 1 बार, और फिर उसी में दोबारा 2 बार बुन लिया हमने। 2 बार बुनने के बाद देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें पीकोट बनाएंगे, यानी फिर एक चैन बुनेंगे। और एक चैन बुनने के बाद देखिए, इस तरह से हमने ये पीकोट बना लिया है इस तरह। फिर देखिए, अब हमारा आधा हिस्सा तैयार हो गया। अब हम आधा बनाना है। देखिए, फिर हमने सिंगल क्रोशे से 2 बार बुनना है। 1, उसके बाद ये 2, सिंगल क्रोशे से 2 बार बनाया। फिर देखिए, एक बल डालेंगे और इसमें हम 2 बार डबल क्रोशे से बुनेंगे। 1, 2, 2 के बाद देखिए 1 और 2। अब हमने फ्रेंड, जैसे हमने यहाँ 4 टाइम बुना था, इस तरह हम इसमें ट्रिपल क्रोशे से 4 टाइम बुनेंगे। तो देखिए, अब हम 4 टाइम बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार। तो देखिए, हमने ट्रिपल क्रोशे से 4 बार बुन लिया। अब देखिए, इसकी शेप देनी है। तो 1 और 2, 2 के बाद फिर यहां से हमने इस तरह से सिंगल क्रोशे से फिनिश करना है इस तरह से। फ्रेंड्स देखिए, मेरा हार्ट तैयार हो गया। देखिए, फिर आपने वही रिपीट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से फ्रेंड्स आप रिपीट करेंगे और आपका डिजाइन इस तरह तैयार हो जाएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको यह हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।